फिफा और विक्टर जो मेकिंग चल रही थी, क्या ये पूरी हो पाई है? हाँ, मेकिंग ऑलमोस्ट फिनिश है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 दिन में इसकी फर्स्ट कॉपी आ जाएगी, मतलब पहला पहली बार हम पूरी मूवी देख पाएंगे। विक्टर के ट्रेलर और टीजर, पहले टीजर फिर ट्रेलर, कब तक आ पाएंगे? टीज़र और ट्रेलर बनकर रेडी है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, बिकॉज़ इसका ट्रेलर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऐसा होता है कि फिल्में या तो फिल्म में लव स्टोरी होती है या देशभक्ति होती है या सस्पेंस होता है या ड्रामा होता है या फैमिली ड्रामा होता है, बट हमारी फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें देशभक्ति है, इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म को हमने कवर किया है, लोन वुल्फ सिंड्रोम को कवर किया है, जैसे आईएसआई से लोग इम्प्रेस होकर लड़ने जाते हैं, इराक और सीरिया क्यों जाते हैं, वो सब हमने कवर किया है। उसके अलावा जो हमारा बैकड्रॉप है फिल्म में, वो एक बॉक्सर की स्टोरी है और वो भी एक आम आदमी कैसे बॉक्सर बनता है, उसकी एक जर्नी हमने दिखाई है। तो स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, इसमें इतना कुछ है, इसमें सस्पेंस ड्रामा, इतने एक छोटी सी फिल्म में हमने, 2 घंटे की फिल्म में हमने इतना सारा कुछ दिखाया था, उसको 3 मिनट के ट्रेलर में दिखा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं पर्सनली बैठा ट्रेलर में और मैं बहुत खुश हूँ कि ट्रेलर बहुत अच्छा बना है और इसे मतलब लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा यकीन है। पूरी फिल्म के शूट होने के बाद आपने फिर से कुछ और इसमें भी शूट भी करवाया है इस फिल्म के लिए बाकायदा, उस बारे में कुछ बताएंगे ऑडियंस को? ये एक फिल्म मेरे दिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और सब्जेक्ट मेरा खुद का था, तो शुरुआत से मैं जुड़ा रहा था, स्क्रीन प्ले से लेकर डायलॉग से लेकर हर चीज़, एक एक फ्रेम मैंने अपने हिसाब से इसको सजाया है। तो जब हम ट्रेलर बना रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था, ट्रेलर बनाते समय हमने साथ में कैमरा रखा हुआ था, तो जब भी हमें लगता था कि ये शॉट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उसकी शूटिंग कर लेते थे और इधर ट्रेलर भी कटता था, इधर शूटिंग भी चलती थी, ताकि बाद में कभी ऐसा नहीं लगे आज के 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जब मैं इस फिल्म को देखूं तो कहीं कोई कसर नहीं दिख जाए कि कभी ये सोचा था और वो फ्रेम में ये कमी दिख रही है। तो मैं अपने हिसाब से 100% दिया हूँ और आज मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और काफ़ी खुश हूँ कि जो मैं चाहता था वो मैं अपने लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लेकर आ पाऊँगा। सुदीप जी, करीब 50 के आसपास भोजपुरी फिल्में की हैं आपने, तेलुगु फिल्में की हैं, उसके बाद एक हिंदी फिल्म विक्टर करने में आपको क्या कुछ अंतर नजर आया दोनों कैनवास पे? बहुत फ़र्क है। भोजपुरी फिल्में करके किया मैं बहुत, लेकिन क्या होता है, अभी मुझे क्वालिटी चाहिए। एक एक्टर के लिए सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिन्हें खाने का तो इंतज़ाम कर लिया भगवान की दया से, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो भोजपुरी में मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, बिकॉज़ सभी भोजपुरी फिल्में जो भी मैं किया एक ही ढर्रे की बनती थी, इसीलिए शायद मैं अपनी फिल्में बनाया भी करता था, 4 फिल्म जो मैं खुद की बनाया हूँ, ताकि एक अपने पसंद की भी फिल्म करूँ। बाकी जो भी फिल्म किया, मोस्टली हर एक फिल्म में जो भोजपुरी फिल्मों में होता है, एक दायरा होता है, ठाकुर, आइटम सॉन्ग, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस समझती है हमारी बातों को। तो जो पैटर्न जो भोजपुरी फिल्म का बना हुआ है वही हम भी फॉलो किए और ठीक है, वो भोजपुरी फिल्मों को मैं ऐसा समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक ट्रेनिंग सेंटर रहा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे फैमिली से कभी कोई फिल्म लाइन में रहा नहीं था, तो मुझे सीखने का, हर चीज़ सीखने का मौका मिला, हर चीज़ फिल्म लाइन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मेरे हिंदी में काम आएंगी, बिकॉज़ यहाँ बहुत बड़ा कैनवस है, लड़ाई बहुत बड़ी है, सर्वाइवल की लड़ाई है, तो इसमें मेरा वो एक्सपीरियंस हमेशा मेरे काम आएगा। सुदीप जी, अब विक्टर तो बनकर तैयार हो गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी। इसके बाद क्या, एक बार फिर से क्या सुदीप पांडे हिंदी फिल्मों में कंटिन्यू करेंगे या फिर भोजपुरी फिल्मों की तरफ जी लौटेंगे? जी अगली फिल्म मेरी मास्टर, उस पर काम चल रहा है और वो भी हीरो ओरिएंटेड है और साफ सुथरी फैमिली ओरिएंटेड, उसमें भी हम एक इशू बेस्ड मूवी है, एक इशू लेकर है हम आ रहे हैं, जैसे हमारे विक्टर में हम टूरिज्म के अगेंस्ट में एक इशू है जो हम लोगों के सामने ला रहे हैं। नॉर्मल फिल्में करने से अच्छा मैं चाहता हूँ कि कुछ इशू बेस्ड रहे जो एंटरटेनिंग भी हो, ताकि वो कॉमर्शियली वायबल रहे, तो अगली फिल्म भी हम उसी पैटर्न पर हम फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन पहले मेरा पूरा ध्यान इस फिल्म पर है, इस फिल्म के मार्केटिंग पर अच्छे से रिलीज़ हो जाए और दर्शकों तक जो हम
जिस तरीके से बातों को रखना चाहते हैं वो उस तरीके से हम रख पाएँ। जहाँ तक विक्टर की बात है, विक्टर एक बॉक्सर की कहानी, जो कि अपने देश के लिए लड़ता है और एक बार वो हार जाता है और उसके बाद उसका सब कुछ उसके साथ ही उससे कहीं दूर चला जाता है। हर इंसान के साथ ऐसा हमेशा कभी ना कभी तो हुआ ही होता है हर किसी के साथ, कि वो सोचता कुछ और है, होता कुछ और है, और ऐसे में लोग टूट जाते हैं, फिर भी दुनिया चलती है। हर इंसान के सर पर एक जिम्मेदारी होती है, परिवार की, घर की। तो मुझे लगता है हर इंसान विक्टर है जो भी टूट कर इंसान आगे बढ़ता है। क्या असल जिंदगी में भी कभी सुदीप पांडे को ऐसा कोई मौका आया या कोई ऐसे हालात आए जिसमें वो बुरी तरह से टूटे हों, बहुत कुछ खोया और उसके बाद फिर से रिकवर किया हो? कई बार और ये लगा रहता है मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे काफ़ी लाइफ के काफ़ी स्टेजेस पर मुझे रिस्क लेना पड़ा। जैसे मैं मुंबई आया था, एक नॉर्मल सा जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे हीरो बनना था, खुद की फिल्म बनानी थी। तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ एक रिस्क था। फिर US गया तो ये कंपनी को छोड़ा, वो भी एक रिस्क था। और हमारे जैसे लोगों के साथ किसी का सपोर्ट नहीं होता है, तो अगर एक जॉब चला जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क था। फिर US से जब वापस आ रहा था तो सब कुछ छोड़ कर आ रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो रिस्क हमेशा लगा रहता है, और रिस्क लेने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम से मुझे एकदम से सक्सेस मिला हर जगह। कई जगह ऐसा लगा कि सभी दरवाजे बंद हो गए, लेकिन जब ऐसा लगता है कि सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा कहीं ऊपर वाला अपने आप खोल देता है। इसलिए मैं हिम्मत करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ऊपर वाले का अपना बेटा हूँ, और अगर वो मुझे स्ट्रगल करवाते हैं, कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रगल है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, मुझे मजबूत बना रहे होते हैं। और फिल्म लाइन में रह कर और ऐसी ज़िंदगी जी कर जो मैं जी रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक जन्म में 10 जन्म जी गया। सुदीप जी, जहाँ तक विक्टर की भी बात करूँ मैं, विक्टर में आपने बहुत सारे नए कलाकारों को मौका दिया, शायद उतने किसी भी हिंदी फिल्म में तो नजर नहीं आए होंगे जितने कलाकारों आपने मौका दिया। पैसे लगाए, एक्टिंग की, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और नए लोगों को मौका दिया। मास्टर जो अगला प्रोजेक्ट होगा, क्या उसमें भी आप नए कलाकारों को यूं ही तवज्जो देंगे? नए कलाकार लेने की एक मजबूरी भी थी। अब बहुत इस्टेब्लिश जो एक्टर होंगे वो हमारी फिल्म में काम नहीं करते, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट में मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 90% सीन्स में मैं हूँ, पूरी फिल्म मेरे ऊपर है। तो इस्टेब्लिश एक्टर्स के लिए इस फिल्म में कोई रोल नहीं था, पहला मजबूरी वो। दूसरी मजबूरी कि मैं हिंदी के लिए नया हूँ, तो अभी काफ़ी लोग डाउटफुल भी होंगे, बट जैसे भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है, इस बार भी जब साथ देंगे तो एक ग्रुप बनेगा, एक टीम बनेगी, एक नया दायरा जब मेरा बनेगा तो फिर सबके साथ हम मिंगल होकर एक नॉर्मल हम भी आ जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में।